हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग ना 10 तारीख की ब्लॉग है और 10 तारीख को यहाँ पे वट सावित्री पूजा थी, उसी की ब्लॉग है। मैंने वही इस पूजा में आप सभी के साथ शेयर किया है। तो बस मैं वहाँ पे रेडी हो गई थी और यहाँ पे जो नई वाली बहू है वो रेडी हो रही है, मेरी नई वाली जो देवरानी है वो रेडी हो रही है, एक और रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने रेडी होकर के जितना भी पूजा का सामान ये सब था सारे कुछ मैंने रेडी कर लिया है। बस ये लोग दोनों तैयार हो जाएंगे तो फिर हम लोग निकलेंगे पूजा के लिए। तो दोनों की जब तक तैयारी हो रही थी तब तक मैं इधर काम कर रही थी और जितनी भी चीज़ें हैं जो मुझे सोच के लेना तो वो सारा कुछ कर दी हूँ। यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ कि कब ये लोग आ जाए, तब तक मैंने वीडियो ले लिया है। यहाँ पे दिव्यांशी भी रेडी है। मैंने बहुत मना कर रही कि दिव्यांशी को नहीं जाने के लिए, लेकिन वो जाने के लिए रेडी हो गई थी कि नहीं जाऊँगी जाऊँगी। और ये दो दिन पहले से ही रेडी थी कि मैं भी पूजा करने जाऊँगी, इसे यहाँ अगल बगल से पता चल गया था तो वही इसीलिए रेडी हो गई थी और हम लोग निकल गए थे। मैं यहाँ पे ससुराल में दूसरी बार कर रही हूँ तो यहाँ पे देखिए सिर्फ हम लोग एक ही घर के इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी मतलब दुल्हन लोग हैं, बहुएं हैं जो कि वट सावित्री व्रत रखी हुई हैं, सब लोग हैं यहाँ पे। और सब ने एक ही कलर की साड़ी पहने, सब रेड, बहुत ही अच्छा लग रहा था, सब नई तो सब लोगों की रेड। और थोड़ा सा यहाँ पे दूर जाना पड़ता है, जहाँ पे मैं ड्राइविंग करने के लिए जाती थी ना वहीं पर है ये, तो जस्ट स्पीड के बाद वो वाली फील्ड आ जाती है जो कि यहाँ पर मैं ड्राइविंग करती थी। और यहीं पे देखिए दो ना बरगद के पेड़ हैं, तो एक रोड के पास ही है, एकदम रोड के पास और एक थोड़ा सा हट के, तो वहाँ थोड़ा बैठने में दिक्कत होती है, इसीलिए हम लोग नीचे आ गए हैं और नीचे वाले जो दूसरे वाले बरगद की पेड़ है वहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे सब लोग हम लोग लेट आ चुके थे तो इसीलिए हम लोग साइड में खड़े हैं। और अभी पंडित जी बोले कि पहले ये लोग पूजा कर लेते हैं उसके बाद हम लोग बैठेंगे, और भी लोग आ रहे थे तो हम लोग वेट कर रहे थे, तब तक फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। और यहाँ पे देखिए हम लोग तीनों, जो ब्लू वाली हैं वो चाची सास है, बाकी हम लोग तीनों गोतनी हैं, वो लोग का हो गया था। अब हम लोग यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बताए गए हैं वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, हंसी मजाक सब लोग। यहाँ पे जब एक साथ जुटते हैं ना तो ये जो छोटी वाली सास हैं वो एकदम भी नहीं लगता है, तो हम ही लोग की जरा जैसे ही बातें चीतें मजाक मस्तियाँ हो जाती हैं तो इनके साथ, तो यहाँ पे हम लोग मजाक मस्ती करते हुए यहाँ पे पूजा स्टार्ट की है। अभी बस हम लोग रेडी कर रहे हैं, जो भी सामान ज़रूरत है वो सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, फिर पंडित जी स्टार्ट करेंगे पूजा। और आप सभी को पता होगा कि ये वट सावित्री पूजा क्यों की जाती है, इतनी ज़्यादा ये क्यों मानी जाती है वट सावित्री पूजा, तो मैंने अपने ब्लॉग में पहले भी इसे शेयर किया है वट सावित्री पूजा का। और इस बार भी मैं लेकर के आई हूँ न्यू ब्लॉग वट सावित्री पूजा की, तो मैंने उसमें कहानी को बताया था, तो अभी मैं पूरी कहानी तो नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ एक शॉर्ट में बता दूँगी कि ये कहानी ना सत्यवान और सावित्री की है। तो यहाँ पे जो सावित्री है वो सत्यवान की जीवन दान लेती है, जीवन दान मांग लाती है यमराज से, इसीलिए ये वट सावित्री पूजा किया जाता है। हर सुहागनों के लिए ये बहुत मायने रखता है ये पूजा, जितनी भी सुहागन होती हैं वो सब वट सावित्री पूजा करती हैं। ये बरगद के पेड़ की पूजा होती है, सावित्री सत्वान की जीवन लेकर के आती है यमराज से, इसीलिए कहते हैं कि जो भी ये सुहागन, जो सुहागन इस व्रत को रखेगा वही, और जो वर की पूजा करेगा व्रत रख के, तो उसकी जो पति की आयु है वो लंबी होगी, इसीलिए हर सुहागन इस त्यौहार को करती है, वट सावित्री की पूजा को करती है। और इस दिन पूरा दिन फास्टिंग होता है और पूजा करने के बाद आप कुछ मीठा खा सकते हैं, और उसके पहले दिन होता है कि नहा के खाना होता है एकदम मीठा चीज़, या फिर ये जो नॉर्मल नमक होता है वो नमक का यूज़ नहीं किया जाता है। और इस तरह से ये व्रत को किया जाता है, पंडित जी आते हैं, कथा सुनाते हैं, पूजा कराते हैं इस बरगद के पेड़ के पास। आप सब भी कर सकते हैं, घर पर ही कर सकते हैं हम सब। और जो बरगद की पेड़ है उसमें जितनी भी इच्छा शक्ति होती है, जितनी भी आपकी श्रद्धा होती है, आपकी हिम्मत जितनी भी होती है, हम लोग उतने बार इस पेड़ के चारों तरफ मौली लपेटते हुए घूमते हैं, फेरे लेते हैं जिसको कहते हैं। तो मैं तो ज़्यादा फेरे नहीं लेती हूँ, सभी अपनी श्रद्धा से अपनी अपनी तरह से लेते हैं फेरे, मैं नहीं ले पाती हूँ उतना, मैं बस 5 बार ली हूँ और सब लोग अपने अपने इच्छा अनुसार लिए हैं फेरे। और इनकी जो बीनी रखी हुई है ना होकने वाले पंखे, उसे होकते हैं और उसके बाद यहाँ से पूजा करने के बाद ले जा करके अपने पति को होकते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और इधर यहाँ पे पंडित जी बैठ के मंत्र पढ़ रहे हैं,
पे गांव में ऐसे ही होते हैं, शहरों में तो पता भी नहीं चलता है। हर बार मैं पहले करती थी, लेकिन दो बार से यहीं पे कर रही हूँ। लॉकडाउन में मैं यहीं पे हूँ तो यहीं पे करती हूँ। और हम लोग इधर सब लोग देखिए, यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जा रही थी और कहानी भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, मंत्र भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड की हूँ। कहीं कहीं मैंने नहीं किया है, कहीं कहीं की हूँ, ताकि आप सब जो भी चीज़ें जितना भी मैंने लिया मुझे उसको कट ना करना पड़े, मैं आप सब के साथ सारी की सारी चीज़ें शेयर कर पाऊँ, इसीलिए मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड किया है, कट नहीं किया है। तो आशा करूँगी कि आप सभी को अच्छा लगेगा और आप सभी लोग करते होंगे, कौन कौन करते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये तो झारखंड बिहार यूपी सब जगह चलती है वट सावित्री पूजा, लेकिन जो कर सकते हैं जो उनकी इच्छा होती है वही करते हैं, कोई फोर्सफुली नहीं होती है। तो हमारे यहाँ तो होती है, मैं भी करती हूँ और मैंने अभी तक कोई भी नहीं किया, बस यही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो पंखे हैं ना, पंखे में रख के पंखे में टीका करके और मैंने पंखे को एकदम बरगद पेड़ की सटा के रख दिया है और जितने भी फल फूल है वो सारी रख देती हूँ वहाँ पे। और आप सबको दिख रहा होगा कि मौली धागा लपेटा हुआ है, तो हाँ इसी तरह मौली धागा लपेटते हुए फेरे लेते हैं। और यहाँ पे कुछ दान की चीज़ें होती हैं, जैसे कि जितनी भी सुहागन लेती हैं अपनी सजने संवरने के लिए वो सारी चीज़ें दान में जाते हैं, चूड़ी बिंदी आलता ये सारी जितने कुछ होते हैं सुहागन के लिए वो सारी चीज़ें, एक लाल कपड़ा या फिर पीला रंग की कपड़ा भी वो देते हैं और ये सारी चीज़ें हम लोग दान दे देते हैं पंडित जी को। हो सकता है तो ऐसे ही सुहागन को भी दान दे सकते हैं। ये जो टोकरी रखी हुई है ना छोटी सी, उसमें वो सारे श्रृंगार के सामान हैं और एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा है जो कि ब्लाउज पीस जो आती है ना उतनी एक कपड़ा है। तो ये सारे पंडित जी को दान देंगे और यहाँ पे संकल्प करके यहाँ पे हम लोग नारियल भी फोड़ लेंगे। और जितनी भी मेरी थोड़ी पूजा यहाँ पे अलग होती है क्योंकि मैं पहले अपने मायके में की हूँ सबसे पहले, तो वहाँ के जैसे होते वैसे करती हूँ। सब जगह के अलग अलग से होते हैं, सब लोग के अपने अपने तरीके होते हैं पूजा करने के, जो चल जाता है जिस गांव में वैसे ही करते जाते हैं। तो मेरी थोड़ी सी अलग है यहाँ पे इन लोगों के सेम, ये लोग यहाँ के तरीके से करते हैं और मैं वहाँ पे जो मायके में की हूँ फर्स्ट टाइम, और जो पहले करते हैं वही हमेशा चलाते रहना चाहिए, बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने जैसे मैं पहले की हूँ, तो यहाँ पे मैंने 5 बरगद के पत्तल डाले, उसमें 5ों में फल डाला है। मुझे कि जितने फल लेकर के आई थी उसमें से एक जो है उस 2 में पूरा पूरा डाला है, एक पंडित जी को दे दूँगी और एक अपने हस्बैंड को दे दूँगी वहाँ से ले जा कर के, वही हमारी मेन प्रसादी हो जाएगी। इसमें चना को भी ज़्यादा मेन माना जाता है, मेन प्रसादी के रूप में माना जाता है, चना फुला करके उसी से फेरे लेते हैं यहाँ पे। और हमारी पूजा अब ख़त्म होने पे है और इस पूजा में ना बारिश भी आ गई थी, लेकिन हम लोग जरा सा भी नहीं भींगे। यहाँ पे हमारी आरती हो रही है और आरती के बाद हम लोग फिर घर जाएंगे और जितने भी टीका वगैरह करके पंखा हॉक करके अपने वर्क को खोल लेंगे। तो आप सबको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।